बिहार में जहां पर वर्चस्व की लड़ाई में 4 लोग जो घायल हो गए हैं और जेल के अंदर ही कैदियों में आपस में भिड़ंत हुई है। आपको मालूम है जेल के अंदर हत्या भी हो चुकी है, एक नहीं कई हत्या हो चुकी है। तो जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है, जब मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप लोग यकीन नहीं करते। भाई ऐसी ही कोई घटना जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाएगी, कौन जवाब देगा? बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे लोग, बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे। जब तिहाड़ जेल के अंदर हत्या की घटना हो चुकी है, एक नहीं कई हत्या, मैं बता रहा हूं पिछले 1-1.5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी ऐसी घटना को ये लोग अंजाम दिला सकते हैं? शातिर लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी रखते हैं, कहीं मौका पाके ऐसी कोई घटना करा देंगे, बाद में मुंह बना के कैमरे पे आ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल की जिंदगी को जेल के अंदर खतरा है, उनके जीवन को खतरा है और उनके खिलाफ गहरा षड्यंत्र चल रहा है। 23 दिन तक तो उस आदमी को इंसुलिन नहीं दी गई, तो ये तो जानलेवा कार्रवाई है ना। अगर आप एक जीवन रक्षक दवा जो किसी भी शुगर के मरीज के लिए, शुगर बढ़ने पर वो कोलैप्स कर सकता है, शुगर अचानक डाउन होने पर कोलैप्स कर सकता है, और आप उसकी जिंदगी के साथ 23 दिन तक खिलवाड़ करते रहे, आपने इंसुलिन नहीं दिया, इतना हो हल्ला हुआ तो इंसुलिन दिया आपने। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी का परिवार, उनकी पत्नी, दिल्ली के लोग, देश के लोग जो अरविंद केजरीवाल जी से बेहद प्यार करते हैं, वो चिंतित हैं, परेशान हैं इस बात को लेके कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या घटना ये लोग अंजाम दे देंगे, क्या साजिश रच देंगे, कैसे ये उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। और ये जो आपने बताई घटना, ये इस बात का उदाहरण है। आज की तारीख में तो मुख्यमंत्री अंदर है जेल में। भाई एक चीज आप मुझे बताइए, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, 3 बार के चीफ मिनिस्टर को आप जब उनको अपराधियों की तरह, आतंकवादियों की तरह मुलाकात करा रहे हैं, आप उनको इंसुलिन जैसी उनके जीवन के लिए जरूरी दवा नहीं दे रहे हैं, आप उनकी पत्नी से भी मुलाकात शीशे की दीवार खड़ी करके कराते हैं, आप उनकी मंत्री की मुलाकात कैंसिल कर देते हैं, उनके सांसद की मुलाकात कैंसिल कर देते हैं, तो ये किस बात का संकेत है? ये क्या बताता है? अगर आप चाहें तो भाई, आपको याद नहीं इसी तिहाड़ में ऑफिस, इंटरनेट, फोन, सारी सुविधाएं सुब्रत राय सहारा को दी गई थी, चंद्रा ब्रदर्स को दी गई थी, इसी तिहाड़ जेल के अंदर। लेकिन केजरीवाल के खिलाफ तो साजिश करना है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री के खिलाफ तो उनके जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ करना है, यह सबसे बड़ी बात है।